दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी चैनल में। कर्णों पर बहुत बड़ा खुलासा इस वीडियो में हुआ है। कोरोना हो या न हो, सभी लोगों के लिए ये हेल्पफुल वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट जरूर करना अगर अच्छा लगे तो। आते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अन्नू अग्रवाल है, शिकोहाबाद निवासी हूं मैं। अभी आज ही हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर मैं घर वापस आया हूं। कोविड-19 के विषय में, कोरोना के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं सीएमओ कार्यालय की वो रसीद, जो कि मेरा कोरोना टेस्ट हुआ था उसके बाद नेगेटिव आई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना जैसी बीमारी जो आजकल इस भारतवर्ष में फैल रही है, उसमें जब लोगों को संक्रमण उसका दिखाई पड़ता है, उसके बाद सामाजिक व्यवहार जो इनके प्रति किया जाता है, उससे लगभग आदमी का मनोबल इतना टूट जाता है, इतनी परेशानी उसको भोगनी पड़ती है कि उसको खुद लगता है कि मैं कोरोना से ग्रसित हो गया, और मरने से पहले उसकी मौत आ जाती है। मुझे लगता है कि कोरोना से मौत का आंकड़ा भारतवर्ष में बहुत कम है, और जितना कम वो आंकड़ा है उससे भी कम कोरोना से मरने का आंकड़ा है, क्योंकि लोग दहशत से, और जो समाज जो प्रतिक्रिया दे रहा है, डॉक्टर जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसकी वजह से लोग सहम के, डर के कोरोना से पहले मर जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले मुझे कुछ कोरोना के संक्रमण मेरे शरीर में दिखाई दिए। फीवर आने की वजह से शिकोहाबाद में मैंने डॉक्टरों से संपर्क किया। उस दौरान शिकोहाबाद के डॉक्टर साहब श्री संजीव जी माथुर, जो कि सामाजिक दृष्टि से बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हर मरीज का बहुत प्यार से ध्यान रखते हैं, सबको, जिसके पास व्यवस्था है उसको व्यवस्था के हिसाब से, और जिसके पास व्यवस्था नहीं है उसके हिसाब से अपने मरीज को देखते हैं। तो इसी क्रम में जब मुझे कोरोना हुआ तो मैं उनके पास गया और मैंने बताया कि मुझ में ऐसे संक्रमण आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुझे कोरोना है। उन्होंने मेरा लोकल में जो भी हो सकता था उतने चेकअप कराकर मुझे ट्रीटमेंट देना चालू किया। उस ट्रीटमेंट के दौरान मेरी हालत और भी ख़राब हुई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि संक्रमण आपका बढ़ता जा रहा है। संक्रमण में मैं आपको बता दूं, मुझे फीवर था बहुत तेज, और उसके बाद जब मुझे ट्रीटमेंट चालू किया उन्होंने, तो मेरा सीना जो है जकड़ने लगा, सांस लेने में मुझे तकलीफ आने लगी, और उसी घबराहट में डॉक्टर साहब ने मुझे सजेस्ट किया कि आपकी व्यवस्था अब शिकोहाबाद में नहीं है, आप जाइए अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट होइए और अपने कोविड का टेस्ट कराइए। इस दौरान मैं यहाँ से आगरा पहुँचा, पुष्पांजलि हॉस्पिटल में एमरजेंसी में मुझको रखा गया, और सबसे पहले मुझे एडमिशन देने के जस्ट बाद उन्होंने मेरी कोरोना की जाँच कराई। जिस डॉक्टर ने मुझे अटेंड किया एमरजेंसी में, उसने मुझे बताया कि आप में कोरोना के संक्रमण हैं। उस समय तक ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब नहीं थी, तो मैंने उस चीज़ को समझा, मैंने कहा चलो संघर्ष करते हैं, जो भी है मुझे एडमिशन दिलाइए। उन्होंने मुझे एडमिट करा दिया। आरवी को डॉक्टर साहब जो मुझे देख रहे थे पुष्पांजलि में, उन्होंने मेरा पूरा चेकअप करने के बाद मुझे बताया कि संक्रमण आप में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसका इलाज करते हैं, आप जब तक अपना चेकअप कराइए, और मेरा इलाज चालू कर दिया गया। दिन प्रतिदिन मेरी हालत ख़राब होने लगी। जब मेरी हालत ख़राब होने लगी, गली में मेरी बहुत तकलीफ बढ़ने लगी, उसके बाद मैं एक ENT डॉक्टर को सजेस्ट किया उन्होंने कि उनको बुलाइए, उनके गले की जांच कराइए। उस डॉक्टर ने लगभग 5 कदम दूरी से मुझको देखा, और उसको देखने के बाद उन्होंने कहा कि मुंह खोलिए, जीभ बाहर निकालिए, और उन्होंने बताया कि आपके गले में कोई दिक्कत नहीं। मैंने उनको बोला, डॉक्टर साहब जब दिक्कत नहीं है तो फिर मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? उन्होंने कहा वायरस है। वायरस का मतलब आप समझिए कि आपको कोरोना वायरस है।
जब उन्होंने भी मुझे बताया कि कोरोना वायरस है तो उस समय मेरी हालत बहुत ज़्यादा टूट गई। सामाजिक इंडस्ट्री से बहुत सारे कॉल मुझे आने लगे और लोग पूछने लगे कि कैसी तबीयत है आपकी, कैसे हैं आप। किसी ने डायरेक्टली पूछा कि कोरोना पॉजिटिव आया क्या, किसी ने पूछा कि तबीयत कैसी है। मेरा मनोबल टूटने लगा। जब मेरा मनोबल टूटने लगा तो मैं डरने लगा कोरोना से। जब मैं कोरोना से डरा, बहुत ज़्यादा डरने लगा, डॉक्टर इतनी दूर से देख रहे थे। हालांकि इस दरमियान जो वहाँ वार्ड बॉय थे या जो मुझे ट्रीटमेंट दे रहे थे, उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन डॉक्टरों का 4 दिन का व्यवहार जो मैंने देखा, डॉक्टर मुझसे दूर से ही बात कर रहे थे, दूर से ही मुझे देख रहे थे, हर बात पर कह रहे थे कि आपको वायरस की प्रॉब्लम है, आपको वायरस की प्रॉब्लम है, मेरा मनोबल टूट गया। जब टूट गया तो मेरी स्थिति ये आ गई कि मैं अपने परिवार के विषय में सोचने लगा और सोचने लगा कि मुझे कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद मेरे परिवार को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। इस दौरान कई दोस्तों ने मेरा मनोबल बहुत बढ़ाया, कहा चिंता मत करो। मेरा भाई मेरे साथ पुष्पांजलि हॉस्पिटल में मौजूद था। जब मैं उसकी तरफ देखता था तो मुझे लगता था कि यार मुझे कोरोना है और मेरी वजह से मेरे भाई को कोरोना हो जाएगा, मेरे घर पर कोई देखने वाला नहीं होगा, मेरी फैमिली को कहाँ शिफ्ट करेंगे, कैसे शिफ्ट करेंगे, कैसे मेरे बच्चे रह पाएंगे। मेरा मनोबल टूटता गया। जब बहुत ज़्यादा मनोबल टूट गया तो मैंने सोचा कि तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि एक बार में मौत आ जाए मुझे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी मैंने खुद को संभाला। लगभग रात को समय रहा होगा 10:30 का, मुझे लगा कि अब मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से मेरी फैमिली बहुत परेशान है। इस कोरोना संक्रमण ने मुझे इतना अंदर से झकझोर के रख दिया कि मुझे मेरी मौत मेरे सामने दिख रही थी। लगभग उसके 10 मिनट बाद, उससे पहले का क्रम और बताना मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। मैं बेड पे लेटा हुआ था, मुझे सांसें तेज तेज आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरी सांस रुकने वाली है। कोरोना संक्रमण मेरे गले में COVID-19 बैठ चुका है और वो मुझे परेशान कर रहा है। मैं घबराता गया, टूटता गया, परेशान होता गया और मैं अपनी मौत मर गया। सच मानिए, मैं मर गया। लेकिन उन्हीं 10 मिनट बाद नर्स आती है और कहती है कि आपका कोरोना का टेस्ट जो हुआ था वो नेगेटिव आ गया है। जब ये नेगेटिव की रिपोर्ट उन्होंने मुझे दिखाई, उसके जस्ट 5 मिनट बाद मुझे ये लगा कि मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, मेरे चेहरे की रौनक लौट आई। और मुझे उन डॉक्टरों पर बहुत गुस्सा आया जिन्होंने मुझे बार बार बोला कि आपको कोरोना है। आगरा पुष्पांजलि इतने बड़े हॉस्पिटल के ENT डॉक्टर मुझे 4 कदम दूरी से देख कर गए, जिनके नेटवर्क में मैं 4 दिन वहां एडमिट रहा, उन्होंने मुझे दूर से ही देखा, कभी मेरे शरीर से भी हाथ नहीं लगाया। क्या आपको लगता है कि कोरोना से किसी की मौत होती होगी? शायद मुझे लगता है मैं दिल का बहुत पक्का इंसान हूं, इस वजह से इस कोरोना की जंग जीत कर मैं अपने घर वापस आया। वहां से मैंने छुट्टी कराई, मैं वापस आया। क्या आपको लगता है कि दिल का कोई और कमजोर कोई होता प्राणी तो वो उस समय तक जीवित रह पाता? इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि कोरोना से मरने से पहले ये सामाजिक लोग आपको मार रहे हैं। अगर किसी को कोई भी ऐसा कोरोना संक्रमण है तो सबसे पहले वो अपने दिल को मजबूत करे कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हो रही है। सामाजिक प्रतिक्रियाएं बिल्कुल बंद कर दे उस समय पर, लोगों के नेटवर्क में रहना बंद कर दे अगर किसी को कोई बीमारी होती है। इन सब बातों से सिर्फ मेरा इतना कहना है कि जो लोग इस कोरोना संक्रमण फैलने के समय पर जो बीमार हो रहे हैं और बेवजह बेपरेशानी के सिर्फ अपने तनाव में अपने प्राण त्याग रहे हैं, वो मेरे इस वीडियो से कुछ समझें। इतना दबाव ना बनाएं कि उनकी मौत हो जाए। संघर्ष करें। मुझे तो कोरोना नहीं निकला, मैं पॉजिटिव नहीं निकला, लेकिन पॉजिटिव निकलने से पहले डॉक्टर और समाज ने मुझे मार कर रख दिया। हौसला रखिए दोस्तों, कोरोना से मौत संभव नहीं है, संघर्ष कीजिए। नमस्कार दोस्तों।
हाँ तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ज़रा सा अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।